हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले व्लॉग को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन हो गए थे वो लोग बनाए हुए, तो आज हम नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सरसों की बुआई को लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ये अच्छी प्रकार से जमनी स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको आज सरसों की जमवार दिखा देते हैं। चार चार पत्ती की हो चुकी है सरसों। सभी खेतों में लगभग जमवार बहुत अच्छी रही है। ये जितने भी खेत हैं, इन सभी खेतों में सरसों की बुआई की गई थी। ये सरसों के खेत के किनारे पर एक छोटा सा बेरी का पेड़ है। इसमें छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं, कुछ बेर पक भी चुके हैं। ये खट्टे मीठे बेर हैं। चलो हम बेरों को थोड़ा तोड़ते हैं, फिर खाएंगे। इन बेरों को काफ़ी सावधानी के साथ तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक छोटे छोटे कांटे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं चुभने पर। बेर का साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा है। इस झाड़ी का ही साइज बहुत छोटा है। खट्टे मीठे बेर है, खाने में बहुत मजा आ रहा है। इन बेरों की तादाद आज के समय में बहुत कम हो चुकी है। जो हमने घर के पास में एक कड़बी इकट्ठी कर रखी थी, इस पर 2-3 बार बारिश हो चुकी है, इसी कारण ये बहुत ज़्यादा भीग गई थी। इसके ऊपर पन्नी भी ढकी थी हमने, अब इसको थोड़ा फैलाया हुआ है ऊपर से ताकि सूख जाए, फिर इसको कटवाएंगे मशीन के द्वारा। क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो सर्दी में भैंसों के लिए बहुत अच्छा चारा माना जाता है सूखा चारा कड़बी। ये अपना घर है, दिखाई भी नहीं दे रहा, पेड़ इतने ज़्यादा लगा रखे हैं शुद्ध हवा के लिए। ये अपनी सरसों का खेत है। ये साइड ये टमाटर बो रखे हैं, जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाए भी थे। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं। दोस्तों, आपने हमारा आज का व्लॉग देखा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राम राम।